हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में जूडो से रिलेटेड 33 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। 33 एमसीक्यूज के माध्यम से जूडो से रिलेटेड सभी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, कोई अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि दोस्तों आप एमपी टेट रिजल्ट के बाद उसके मेन एग्जाम का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए होंगे, जैसा कि दोस्तों जिस लेवल का क्वेश्चन एमपी टेट में पूछा गया था प्राइमरी या मिडिल दोनों में, आप सोच सकते हैं कि मेन एग्जाम से उससे हाई लेवल का, उससे भी हाई लेवल का हो सकता है। इसलिए आप डीप प्रिपरेशन करिए और समय को नष्ट न कीजिए, आपके आपके लिए गोल्डन चांस है दोस्तों। एंड यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यूपीएल टिकट हो, अदर स्टेट की टीजीटी पीजीटी हो, चाहे एमपी टेट सुपर टेट हो, तो दोस्तों मेरे चैनल पे थ्योरी सेशन एकदम एक एक टॉपिक को अच्छे से बताया गया है। एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, वन लाइनर क्वेश्चंस, सभी चीजें देखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और एक एक प्लेलिस्ट को देख के अपने सभी डाउट को क्लियर कीजिए। एंड डेली बेसिस से मैं आपको एमपी टेट से ही रोज आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस कीजिए, अपना स्कोर चेक कीजिए। समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों आप भी रेडी हो जाइए पूरा वीडियो देखने के लिए, अपना स्कोर चेक करने के लिए। तो दोस्तों आज बात हो रही है जूडो की, तो जूडो के क्वेश्चंस पर जाने से पहले कुछ इसके हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं। जैसे कि दोस्तों जूडो को जापानी कुश्ती भी कहा जाता है, ये जापान का राष्ट्रीय खेल है। दोस्तों इसकी खोज 1882 में डॉक्टर जिगारो कानो द्वारा, यानी ये किया गया था। डॉक्टर जिगारो कानो जापान के एक अध्यापक थे, इन्हें जूडो का पितामह कहा जाता है। इस खेल का लक्ष्य होता है दोस्तों कि विरोधी खिलाड़ी के वार को रोकना ही नहीं होता, बल्कि उसी के वार को उसी पर करना होता है। एंड जूडो खेल में खिलाड़ी की ताकत को तकनीकी द्वारा अपने पक्ष में करना होता है। एंड इसके प्रभाव से विरोधी खिलाड़ी बेहोश हो जाता है, तो उसे चौक कहते हैं। दोस्तों जूडो जो है प्रथम बार खेला गया 1964 टोक्यो ओलंपिक में, एंड ओलंपिक में शामिल किया गया 1972 म्यूनिक पश्चिमी जर्मनी में, और महिलाओं को शामिल किया गया ओलंपिक में 1992 बार्सिलोना स्पेन में। एंड एशियाई खेलों में 1986 सियोल ओलंपिक में खेला गया सबसे पहले। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट दोस्तों, जूडो के प्रतियोगिता क्षेत्र की माप कितनी होती है? तो प्रतियोगिता क्षेत्र या कुल क्षेत्र की बात कहें दोस्तों, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा 16x16 मीटर। कितना? 16x16 मीटर। आपके एमपी टेट में पूछा था कि प्रतियोगिता क्षेत्र की कम से कम लंबाई कितनी होती है, तो जब कम से कम पूछे प्रतियोगिता क्षेत्र या कुल क्षेत्र की लंबाई, तो 14x14 मीटर। ज्यादा से ज्यादा पूछे तो 16x16 मीटर। डायरेक्ट पूछे कि प्रतियोगिता क्षेत्र की कुल लंबाई कितनी होती है, तो 16x16 मीटर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे दोस्तों दो क्वेश्चंस बनते हैं कि अगर पूछेगा जूडो के मैदान वर्गाकार प्लेटफॉर्म का आकार कम से कम 8x8 मीटर, अधिकतम 10x10 मीटर, लेकिन प्रतियोगिता क्षेत्र की कुल लंबाई या प्रतियोगिता क्षेत्र की बात करें तो 16x16 मीटर, कम से कम पूछे तो 14x14, और अधिक से अधिक पूछे तो 16x16 मीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जूडो के प्रतियोगिता क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जाता है? तो जूडो के प्रतियोगिता क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जाता है? तो दो भागों में बांटा जाता है। नेक्स्ट है कि जूडो पुरुष प्रतियोगिता के लिए अवधि कितनी होती है? तो जूडो पुरुष प्रतियोगिता के लिए अवधि 4 मिनट की होती है। कितनी होती है? 4 मिनट की। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय जूडो संघ इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मॉरिस एल विजर। कौन है? मॉरिस एल विजर। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जूडो संघ की स्थापना 1951 में हुआ था, हेडक्वार्टर लुसानी स्विट्जरलैंड है।
एंड JFI जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1965 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और प्रथम जूडो राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन 1966 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूडो में जूडो के खिलाड़ी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जूडो में जूडो के खिलाड़ी को जूडोकाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जूडोकाज कहा जाता है। एंड जूडो के मैदान को सियाइजो, जूडो के हाल को डोजो, जूडो के पोशाक को जुडोगी, और जूडो जो है हाजिमे शब्द से शुरू किया जाता है। ठीक है, हाजिमे शब्द का अर्थ है जूडो में शुरू करो। नेक्स्ट है प्रतियोगिता क्षेत्र, कॉन्टेस्ट एरिया की माप क्या होती है? यहाँ पे कॉन्टेस्ट एरिया जब पूछेगा तो आपका हो जाएगा 10x10 मीटर। वैसे जब पूछेगा प्रतियोगिता क्षेत्र की कुल माप कितनी होती है, तो 16x16, अब कम से कम तो 14x14, ज्यादा से ज्यादा 16x16, लेकिन यहाँ पे वर्गा का प्लेटफॉर्म जो बीच में होता है उसका माप पूछा है, तो 10x10 मीटर ज्यादा से ज्यादा, एंड कम से कम 8x8 मीटर। नेक्स्ट है, इनमें से क्या जूडो से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, इपोन, हंसोकू माके, वजारी, ये तीनों संबंधित हैं, बट आपका हाजुसी माते शब्द संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, अगर दोनों खिलाड़ियों के अंक प्रतियोगिता की अवधि समाप्त होने पर शून्य हो तो फिर प्रतियोगिता कहां से शुरू होगा? तो दोस्तों, फिर प्रतियोगिता शुरू होगा गोल्डन स्कोर से। ठीक है, अगर गोल्डन स्कोर भी बराबर आ गया तब क्या होगा दोस्तों, यानी कि गोल्डन स्कोर में भी दोनों कोई भी पॉइंट नहीं लेता है, तो उस पॉइंट का निर्णय हंते से होता है। हंते के अंदर दो झंडियों का प्रयोग किया जाता है, सफेद और नीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वजारी किसके बराबर होता है? तो दोस्तों, दो वजारी एक इपोन के बराबर होता है। नेक्स्ट है, जूडो खेल के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो जूडो खेल के संस्थापक हैं डॉक्टर जिगारो कानो। कौन है? जिगारो कानो ने 1882 में जापान में डॉक्टर जिगारो कानो द्वारा जूडो का खोज किया गया, इसलिए इनको जूडो का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट है, जूडो के खिलाड़ी की पोशाक को क्या कहा जाता है? तो जूडो के खिलाड़ी के पोशाक को जुडोगी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जुडोगी। नेक्स्ट है दोस्तों कि जूडो का जन्मदाता देश किस देश को, जूडो का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो दोस्तों, जूडो का जो जन्मदाता है उसको जापान को माना जाता है। किसको माना जाता है? जापान को। नेक्स्ट है, जूडो खेल की स्थापना कब हुई? तो जूडो खेल की स्थापना 1882 में हुआ। कब हुआ? 1882 में। किसने किया? डॉक्टर जिगारो कानो ने। कहां पे किया? जापान में। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जूडो किस देश का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों? तो जूडो जो है वह जापान का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है कि जूडो के खिलाड़ी की जो बेल्ट होता है उस बेल्ट को क्या कहते हैं? तो जूडो के खिलाड़ी के बेल्ट को ओबी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओबी। नेक्स्ट है, जूडो की महिला स्पर्धा को प्रथम बार ओलंपिक में आधिकारिक रूप से कब शामिल किया गया? तो महिलाओं को शामिल किया गया 1992 बार्सिलोना स्पेन में, एंड पुरुषों को शामिल किया गया 1972 म्यूनिख पश्चिमी जर्मनी में। एशियाई खेलों में खेला गया सबसे पहले 1986 सियोल एशियाई खेल में। नेक्स्ट है दोस्तों कि जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ 1965 में। कब हुआ? 1965 में। जबकि इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन JIJF की स्थापना 1951 में। दोनों चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, पहला अर्जुन पुरस्कार जूडो में किसको कब मिला? तो संदीप बयाला को मिला। पहला अर्जुन पुरस्कार किसको मिला? संदीप बयाला को 1992 में मिला। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूडो मैच पर कितने जज होते हैं? तो जूडो मैच पर
मैट पर दो जज होते हैं, कितने? दो जज होते हैं। नेक्स्ट है, जूडो में कितने ज्यूरी होते हैं? तो दोस्तों जूडो में एक ज्यूरी होती है, कितने? एक। नेक्स्ट है, जूडो को सैप खेलों में पहली बार कब शामिल किया गया? तो जूडो को सैप खेलों में सबसे पहले शामिल किया गया 1995 में। कब? 1995 में। दोस्तों सैप खेल साउथ अफ्रीकन जो सैप खेल है उसको 1984 में काठमांडू नेपाल में शुरू किया गया। तब से यह प्रति दो वर्षों के अंतराल पर खेला जाता है। सैप यानी साउथ एशियन गेम्स, साउथ एशियन गेम, जितने भी दक्षिण एशियाई देश हैं उन सबका एक अलग संघ होता है जिसमें सैप खेल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कितने अवधि तक पकड़ होने पर इपोन दिया जाता है? तो दोस्तों 20 सेकेंड तक पकड़ होता है तो उसे इपोन दिया जाता है। 10 पॉइंट, इपोन के 10 पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट है, कितने अवधि तक पकड़ होने पर वजारी दिया जाता है? तो दोस्तों 10 से 19 सेकेंड के पकड़ होने पर वजारी दिया जाता है। वजारी के 5 या 7 सेकेंड होते हैं, इसको कन्फर्म करना है। 5 या 7 अंक होते हैं। नेक्स्ट है, तीसरी सीधो पेनाल्टी मिलने पर कौन सा स्कोर दिया जाता है? तो दोस्तों जूडो में सीधो का मतलब होता है पेनाल्टी, ठीक है? जूडो में सीधो का मतलब होता है पेनाल्टी। तो तीसरी सीधो यानी कि 3 पेनाल्टी, यदि किसी खिलाड़ी को 3 पेनाल्टी यानी सीधो मिलती है तो उसी समय फाइट छोड़नी पड़ती है। और फाइट छोड़ने को हंसे कुमाके बोला जाता है, फाइट छोड़ने को हंसे कुमाके बोला जाता है। तीसरी सीधो यानी पेनाल्टी मिलने पर कौन सा स्कोर मिलता है? तो हंसे कुमाके। क्या मिलता है? हंसे कुमाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूडो का हिंदी में क्या अर्थ है? तो दोस्तों जूडो का हिंदी में अर्थ है नम्र रास्ता। क्या? नम्र रास्ता। नेक्स्ट है, 2012 लंदन ओलंपिक में जूडो में भारत की किस महिला खिलाड़ी ने भाग लिया? तो 2012 लंदन ओलंपिक में भारत की गरिमा चौधरी ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, भारत के NIS डिप्लोमा कोर्स में जूडो खेल को कब शामिल किया गया? तो इसको शामिल किया गया 1977 में। कब? 1977 में। नेक्स्ट है, जूडो में निर्णायकों को क्या कहते हैं? तो जूडो में निर्णायकों को कहते हैं सुसीन। क्या बोलते हैं? सुसीन। एंड दोस्तों यहाँ पे जूडोकाज जो है जूडो के खिलाड़ी को बोलते हैं, जूडोगी जो है जूडो के खिलाड़ी की पोशाक को बोलते हैं, एंड डोजो जो है जूडो के हाल को बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय जूडो महासंघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो भारतीय जूडो महासंघ के वर्तमान महासचिव मनमोहन जायसवाल हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय जूडो संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो प्रताप सिंह बाजवा हैं। कौन है? प्रताप सिंह बाजवा हैं। नेक्स्ट है, जूडो पुरुष वर्ग में कितने भार वर्ग होते हैं? दोस्तों तो जूडो पुरुष वर्ग में 7 भार वर्ग होते हैं और महिलाओं के 7 भार वर्ग होते हैं। जूडो के अंदर 7 वजन होते हैं, पुरुषों के और महिलाओं के दोनों के 7-7 भार वर्ग होते हैं। नेक्स्ट, जूडो के हाल को क्या बोला जाता है? तो जूडो के हाल जो होता है उसको डोजो बोला जाता है। क्या? डोजो बोला जाता है। एंड नेक्स्ट है, जूडो का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों जूडो का प्राचीन नाम था जुजुत्सु। क्या था दोस्तों? जुजुत्सु। ये था दोस्तों जूडो से रिलेटेड 33 MCQ क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इससे बाहर आपके जूडो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं आ सकता किसी भी एग्जाम में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। और इसी तरह डेली बेसिस से प्रैक्टिस करते रहिए और अपना स्कोर चेक करते रहिए, अपने टॉपिक पे सुधार कीजिए।
तो फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए।